सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 5 आलू का चमत्कार पढ़ेंगे। बच्चों, चमत्कार का अर्थ होता है एक अद्भुत कार्य या फिर करिश्मा। आज का पाठ भोलू और गोलू दो आलू की कहानी है, जिन्हें बाजार से लाकर रसोई घर में रख दिया जाता है। आइए अब पाठ पढ़ें। भोलू और गोलू दो आलू थे, गोल मटोल, सुनहरे और सुंदर। वे रसोई घर में पड़े पड़े ऊब गए थे। ऊब गए थे यानी बोर हो गए थे। कुछ दिन पहले वे सब्जी मंडी में बहुत सारे आलूओं के साथ रहते थे। वहाँ इधर उधर लुढ़कने में बड़ा मज़ा आता था। लुढ़कने यानी गिरने। एक दिन सब्जी वाला भोलू और गोलू को मंडी से खरीद कर बाजार में ले आया। उसने भी उन्हें आलूओं के ढेर पर सबसे ऊपर सजाया था। वे पूरे बाजार की रौनक देखते थे, रौनक यानी चहल पहल, और खुश रहते थे। उन्हें एक महिला बाजार से खरीद कर घर ले आई और रसोई घर में रख दिया। अब यहाँ इस रसोई घर में तो छोटी सी टोकरी में दब पिच कर बैठना पड़ता है। ऊपर से भिंडी और मिर्ची की नौखें उन्हें जब तब चुभती रहती थी, चुभती यानी लगती रहती। भोलू और गोलू को दुख इस बात का भी था कि टमाटर भी गोल मटोल है, पर उसकी फिक्र सबको रहती है, वह कहीं दब ना जाए, कहीं पिचक ना जाए। पर भोलू और गोलू की किसी को कोई परवाह नहीं। घर की मालकिन भी इन पर ध्यान ना देती। एक दिन लौकी की ठोकर से गोलू टोकरी से बाहर लुढ़क गया। लुढ़क गया यानी गिर गया। वह फ्रिज के नीचे घुस गया। उसे टोकरी जरा भी पसंद ना थी, पर यहाँ तो बड़ा अंधेरा था। गर्मी के कारण उसके शरीर पर अजीब से फोड़े हो गए। अब ना तो गोल लग रहा था पर ना ही अब वो सुंदर लग रहा था। मालकिन ने उसे देखा और फेंक दिया। घर में काम वाली बाई गोलू को ले गई। गोलू के टुकड़े किए और हर फोड़े वाले भाग को मिट्टी में बो दिया। कुछ ही दिनों में आलू के पौधे निकल आए। कुछ हफ्ते बाद जमीन खोदने पर ढेर सारे गोल गोल सुनहरे आलू निकल आए। असल में गोलू के शरीर पर वे फोड़े ना थे, वे अंकुर थे। हर अंकुर से एक पौधा निकला और हर पौधे से ढेर सारे आलू। अब इसे गोलू का सभी चमत्कार मान रहे थे। बच्चों, आपने देखा कि उसने खराब आलू को कैसे उगा के नए आलू बना दिए। बच्चों, अब आप इसे पढ़ें। धन्यवाद।